हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित राय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ब्राउज़र कैसे यूज करें। स्मार्टफोन से इंटरनेट सर्च की दुनिया में कदम रखने के लिए ब्राउज़र एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो बिना इंटरनेट के काम नहीं करते। मगर क्या आप जानते हैं कि एक ब्राउज़र ऐप ऐसा भी है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन होने पर भी साइबर संसार की सारी सामग्री खंगालने की सुविधा देते हैं। इसका विकिपीडिया पे भी ऑफलाइन यूज़ किया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं कैसे काम करता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है। हम प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं ऑफलाइन ब्राउज़र। देखिए यहाँ ऊपर बना हुआ है ऑफलाइन ब्राउज़र, देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप कर लेना। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4.0, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इमेज दिया हुआ है। आइए इसको इंस्टॉल हुआ है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऑफलाइन ब्राउज़र दिखा रहा है। क्लिक ऐड बटन, प्लस का जो निशान बना हुआ है इस पर ऐड क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मतलब जिस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पर डालते हैं। जैसे मैं अपने ब्लॉग का डाल देता हूँ, www.allcrack.blogspot.com। सही है, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ ऑल एग्जाम क्रैक। यहाँ पे देखते हैं मल्टीमीडिया फ्लैश कर देते हैं और एक्सटर्नल लिंक करके ओके कर देते हैं। लिंक चेक हो रहा है, उसके बाद आपकी लिंक डाउनलोड होने लगेगी। यहाँ पे क्लिक करिए, यस करिए। देखिए आपका लिंक डाउनलोड हो रहा है, 100% हो जाएगा, इसके बाद ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो 10% डाउनलोड हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे देख 68% हो चुके हैं, 90% हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑल कर सकते हैं या यस कर देते हैं। इसमें सारी फाइल जो एक्सटर्नल है या इमेज हैं सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड हो गया, इसके क्लिक करते हैं। देखिए मेरा ओपन हो गया। इसके बाद आइए नेट बंद करके हम दिखा देते हैं आपको। इंटरनेट यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, इंटरनेट ऑफ हो गया। अब इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ गया। इसको हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुआ, दोबारा हो गया। देखिए यहाँ पर खुल गया, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। इस पर शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है शेयर करने के लिए। वैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको शेयर करना चाहते ही हैं तो यहाँ डाटा ऑन करके शेयर फेसबुक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वो ऑनलाइन है, तो यहाँ पे आपका फेसबुक का पेज खुलेगा, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, देखिए खुल रहा है वेलकम टू फेसबुक। देखिए आप खुल गए, अपना ईमेल आईडी डाल, पासवर्ड डालते हैं। दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना ओपन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे शो करेगा, इसलिए आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर डाउनलोड करना चाहिए तो डाउनलोड नाउ कर सकते हैं। डाउनलोड हो रहा है, देखिए हो गया डाउनलोड, इसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वेब ब्राउज़र में जाना है तो आपको पहली बार डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं,
उसके बाद तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।